What is up people? Hi, my name is Sahil and you guys are watching Professional Magnet. और आज हम एक underrated rapper को सुनने वाले हैं जिनका नाम है IG Muwaiyat. और भाई का जो track है, जो title है track का, that is Mirror, यानी शीशा. और let's just see कि title Mirror क्यों है. एक तो मेरे को ये जानना है, दूसरी चीज म्यूजिक वीडियो है इस गाने की एंड प्रोड्यूस किया है इस गाने को VVK ने. तो नाम तो इम्प्रेसिव है लेकिन भाई गाना इम्प्रेसिव होना चाहिए. हिप हॉप कश्मीर, तो मेरा भाई कश्मीर से रैप करते हैं और कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं. शाउट आउट टू ऑल द रैपर्स इन कश्मीर ब्रो, शाउट आउट टू कश्मीर हिप हॉप. तो लेट्स जस्ट गेट टू द सॉन्ग, लेट्स सी, वी गोना फाइंड आउट कि गाना अच्छा है या नहीं. आई एम गोना बी रियली ऑनेस्ट विद माय रिव्यूज. ऑल्सो अगर आपको भाई का गाना पसंद आता है, मेक श्योर टू सपोर्ट हिम. आप उनके चैनल पे जाना, गाना सुनना, उनका कंटेंट एक्सप्लोर करना, जो भी उनके अप्स एंड डाउन्स रहेंगे या जो भी इंप्रूवमेंट्स रहेंगे आप इनको जरूर बताना. मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा एंड या लेट्स गेट टू द सॉन्ग. मेरे को ये ड्रिल लग रहा ट्रैक. कल का जवाब आज मेरी किताबों में बीट पे हाथ दरे फीट नकाबों में साथ में लगता ना बेसन लाड में काटे इरादों में काटो इरादों में फीट अनेक मगी. एक सेकंड नहीं 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 नहीं. I get that rhyme scheme, E sound के साथ complex करने की कोशिश है लेकिन I need to hear the lyrics bro, मेरे को lyrics सुनने हैं. मेरी किताबों में बीट पे हाथ दरे फीट नकाबों में साथ में लगता ना बेसन लाड में काटे इरादों में काटो इरादों में फीट. नहीं ऐसे नहीं समझ आएगा, आई नीड टू गेट द लिरिक्स. Yo, we got the lyrics, let's go. Hey, hey. Yeah. Hmm. Check. Hmm. कल का जवाब आज मेरी किताबों में बीट पे हाथ धरे फीट न ख्वाबों में साथ में लगता ना बीट पे हाथ धरे फीट ना ख्वाबों में. सो इट्स बेसिकली लाइक मेरे सिर्फ हवा में या ख्वाबों में पैर नहीं है, मैंने बीट पे हाथ धरे हैं एंड लाइक मैं सिर्फ सपने नहीं देखता, वर्क फॉर देम राइट, दैट्स द थीम आई गेस. मेरी किताबों में बीट पे हाथ धरे फीट नकाबों में साथ में लगता ना बेसन लाड में काटे इरादों में काटो इरादों में फीट अनेक में गीत में चढ़कर लीट में सीट में बीट में सड़कर डीट है रीत में सीधे पुरानी फीट में दो दो लीट में बढ़कर सर का पाट दिया बड़ का साथ दिया लाख से लड़कर गढ़ का हाथ दिया लगते जिगर मैंने उसका पात लिया चेहरे पे जिसने पर्दा डाक लिया खुदकुशी तेरे भाई लगते जिगर मैंने उसका पार्ट लिया चेहरे पे जिसने पर्दा डाल लिया. इज ही टॉकिंग अबाउट द गर्ल आई गेस. मैंने उसका पार्ट लिया चेहरे पे जिसने पर्दा डाल लिया खुदकुशी तेरे जीने में दस्तक खुदकुशी मैं ना पीने में हस्तक्षेप रात मत होश विचार है दर्द सात बार आज भी प्यार है सीन हैरान ये लाठी है जादू. यार देखो अब भाई की वोकैबुलरी तो वैसी हो गई यार, ही इज फ्रॉम कश्मीर, आई कांट हेल्प इट. क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो मैंने नहीं सुने भाई, हिंदी में तो मैंने कभी नहीं सुने, लाइक थोड़ा टिपिकल उर्दू के वो लफ्ज हैं लेकिन मेरी उर्दू या सबको पता है भाई सो है, सो से भी नीचे ही है. बढ़िया, मैं तभी ट्राई करता रहता हूँ कि मेरे को कुछ पता चले. नहरान ये लाठी है जादू की थोड़ी है बंजर थोड़ी है काव के बहुत की बेतु की बातों का साथ नहीं देता मैं काट देता मैं काट नहीं विश्वासघात मेरे रिश्ते पास तेरे खाने के विष में हो रिश्ते खास कुछ लोग न बसते विश्वासघात मेरे रिश्ते पास तेरे खाने के विष में हो डिश. भाई यार These are all homophones, यार. These are all homophones. और homophones वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है डिकोड करना बिकॉज उनका सेम साउंड रहता है. और या आई गेट द ट्रैक इज टू कॉम्प्लेक्स, मैंने इतना कॉम्प्लेक्स एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे ज़्यादा है. ऑल्सो मेरे भाई जो कश्मीर से हैं भाई और बहनें मेरे को जरूर बताना थोड़ा बहुत इसका मीनिंग अगर मैं समझ पाऊं भाई. मेरे रिश्ते पास तेरे खाने के विष में हो डिस्ते खास कुछ लोग न बसते गिस्ते राज कुछ लोग हटस्ते कसते ना संसार हार कर बार बार दरकार बार पर नहीं इनकार पार वरदान पार लगचार मार कर नहीं संसार हार कर बार बार दरकार बार पर नहीं इनकार पार वरदान पार लगचार मार कर नहीं तारों के नीचे के नारों के नाच के तारों के बार के तारों के नाच के बार के नारों पे बीते रगाच के नीति नसीद न जीत न लाज के जीत न What the fuck is he talking about? What is he talking about? I can't understand a word, bhai. This might be the toughest review I've ever done. Review kahe ka dunga? Mere ko gaana hi nahi samajh aa raha hai, yaar. His vocabulary, his rhymes, and his like wordplays, jo bhi tum kehna chaho, yaar, bro. होमोफोन्स अलग ही लेवल पे यूज़ किए गए हैं एंड इसीलिए ये ट्रैक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. अब मेरे पास लिरिक्स हैं
इट्स अ फैक्ट, मेरे पास लिरिक्स है और मैं लिरिक्स से भी ट्रैक नहीं समझ पा रहा हूँ. इतना लाचार तुमने भाई को देखा है कभी क्या? प्लीज ये बीट हजारों के गाड़ूंगा, इसको मैं बीच बाजारों सारों को देखूं तो देंगे तमाचा. खुद का काम बस खुद पे ही आशा. खुद का काम और खुद पे ही आशा, खुद पे बिलीव, राइट? चलो कुछ तो समझ जाया. चल थोड़ी बात नहीं करते किलो में, चीड़ फाड़ कर दूंगा ग्लो में. एक ही साथ चल होना शुरू, अब एक ही सांस भर दूंगा फ्लो में. I don't wanna get it on the moon, wanna set it like a loom, while I groom and I groom like a bandit, wanna boom a gloom and a zoom, leave affected wanna soon on the moon and a fully defected wanna my चारा नहीं चाहते रैपर, हम भी लेट पर तुम भी ना बेहतर. कहकर राट बल्ले जो भी खिला देंगे, चिंता ना कर हम रूह भी जला देंगे. भू भी दिखा देंगे गल्ले के नाचनी, हल्का चला देंगे बल में के राजवी. लूट झूट कर सारे बोले, वूट शूट कर हम भी दिखा देंगे. हम बड़े काम पे ही लेते इनाम के ही कलम. भाई बंद करो यार, बंद करो. I can't help it, bro. मैं इतना बड़ा डंब लगूंगा ना यार इस रिएक्शन में. बट इट्स ऑनेस्ट रिव्यू घंटे का ये कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट ऑनेस्ट रिएक्शन भाई. दिस ट्रैक इज टू कॉम्प्लेक्स. मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वर्ड्स को. लिरिक्स होने के बावजूद भी एक लाइन नहीं समझ पा रहा हूँ मैं. ऑल्सो इसकी उसका फ्लो ऐसा है, प्लस इसके राइम्स वैसे हैं यार. एक वर्ड भी कैप्चर करना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे. आई एम गोन लीव इट टू द ऑडियंस. भाई तुम्हें तुम्हें तुम्हारे गाने के रिव्यूज ऑडियंस देगी, मैं नहीं देने वाला गाइस. यू नीड टू हेल्प मी. आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी इस गाने का ब्रेकडाउन करने के लिए. मेरे पास लिरिक्स होते हुए भी नहीं कर सकता, तो हेल्प मी इन द कमेंट्स यार. मेरे साथ और कलम मेरे नाम भी भरा मैंने जीते जीते सारे का नाम कोई अमर मेरा गाना बस रुके शाम भी लिखते चरण में कट करन में रैपर एम कशन इन ठीक थे इन में कुछ क्रैप करा कुछ गैप करा कस्ता मनावे ते तुम छ रैप करा बाक छ लर तो बीड सवाए अच्छा का दर शीश निवाए ते हस द सन बस ई पे वा बोसन अच्छ रैप करा अच्छ कमाए ते ना ऐसे राम द नाव कपट त नार लिखत पद नाम सबर. दैट्स अ कश्मीरी लैंग्वेज आई गैस. ये कोई कश्मीरी लैंग. भाई क्या कर रहे हो यार तुम, मेरे को हिंदी नहीं तुम्हारी समझ आ रही, अब तुम कश्मीरी डाल रहे हो बीच में यार. आई कांट ब्रो, आई कांट. देखो ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि जब तक तुम्हारे लिरिक्स ही किसी को नहीं समझ आएंगे तो लोग काय कई लाइक कैसे सुनेंगे उस चीज़ को, कैसे समझेंगे. बट ऑल्सो मेरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि मेरे से भाई वर्ड्स ही नहीं कैप्चर हो रहे. व्हाट इज ही सेइंग, क्या बोल रहा है ये बंदा. अच्छा रैप कर अच्छा कमाए ते ना ऐसे राम द नाव कपट त नार लिख त पद नाम त पर सुद साद बस हाक खिलो यो ब्याख ते बन सहता पच बोई ते क्या चुका रा यत वादी मज कर नाव चेंज पन रोजी मज फन करी छु बद नाम करा कर नो का कार वच लजी मन. व्हाट डिड ही सेड? And why the boost to psycho chori rapper rum to level down that chori dad guman gumat arza chori acha am bana shahna ka tani din guman ko vaz karai te chori bana fand boost to zai te yemen zahte ali mas yat pat us acha tum te bana ali me khazai te back to back to ba apne jere yahan se na chada mera likhta lehar ma galat jald mera chalta dil bithera chhota dil bhi aur toota deh yahan chalo shukar bhai wapas aa gaya. थोड़ी देर के लिए भाई पाकिस्तान चला गया था, अब इंडिया वापस आ गया. हिंदी बोल रहा भाई ना मेरा लिखता लहर मा गलत जल्द मेरा चलता दिल बिठेरा छूटा दिल भी और टूटा देर यहां चार्ज में रह के मैं बारी चाल चलो तीस मखा मैं तो चाली माल पर जैसे मैं खेले तो सम में रहने दूं मैं सन जेले तो गम में सहने दूं दूसरा गाना इनकलाब मेरा तीसरा गाना तू ख्वाब पहला आज का सच फिलहाल मेरा दूसरा गाना होगा इनकलाब तीसरा गाना मेरा एक ख्वाब. ओके ये गानों के टाइटल्स होंगे आई गेस. मैं सहन दूं दूसरा गाना इनकलाब मेरा तीसरा गाना तू ख्वाब पहला आज का सच फिलहाल है ये आज के दिन मेरा बस सवाल तेरा कसम नज़्म है ये बाज़ कस के तुझे सीधे डसले और ये गज़ल नस्म मुझे कसम बज़्म है यार रस्ते हंसते तुझे जलते मोम हम जैसे कस के बुझे कसम नज़्म है ये बाज़ कस के तुझे सीधे डसले और ये गज़ल नस्म मुझे कसम बज़्म है यार रस्ते हंसते तुझे जलते मोम हम जैसे कस के बुझे आखिरी मुझे माफी चाहिए सारी बातें छोड़ते. लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट दिस सॉन्ग. एक चीज तो है कि भाई के अंदर टैलेंट है लाइक वर्ड्स को बेंड करने का, बिकॉज मैंने एक चीज नोटिस करी है वो बहुत थोड़ा अलग तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जा रहा है यहाँ पे. और दैट इज क्वाइट अ स्किल बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि राइम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है एंड व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट. तो एक तो स्किल है, लेकिन भाई आई एम नॉट श्योर अबाउट द लिरिक्स मैन. मेरे पास लिरिक्स रिटन में होते हुए भी मैंने पहला हाफ गाने का मेरे को समझ नहीं आया. एंड ऑल्सो
इट्स अ वे टू मच कॉम्प्लेक्स भाई, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. आई गेस ऑडियंस को भी शायद कुछ ही समझ आया हो. मेरे को बताना भाई, ये वो वाला गाना है जिसमें तुम पहला गाना पूरा सुन के बस ऐसे 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 बैठ जाते हो, तुम्हें पता नहीं चलता क्या बोला. 3-4-5 बार सुनते हो फिर जाके थोड़ा समझ आता है भाई. एंड ही इज रैपिंग एक्चुअली, ही लाइक मंबल भी नहीं कर रहा है, ही इज रैपिंग और फिर भी वर्ड नहीं समझ आ रहे भाई. क्या है यार क्या है यार. याद कर ले सब बेहतरीन नज़म में, सीखे तौर कई सीखे तरीके, आखिरी बार बस देखी कलम में. लास्ट लाइन भी मेरे को समझ नहीं आई ब्रो. ब्रो ओ माय गॉड यार, आई डोंट नो कि मैं इस रिएक्शन को डालूंगा भी या नहीं डालूंगा. आई रियली डोंट नो यार. गाइज लेट मी नो हाउ यू फेल्ट अबाउट द रिएक्शन, आपको कैसा लगा. रिएक्शन भी कहेगा कुछ रिएक्शन नहीं है, इट्स जस्ट कि जो भी मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज तुम्हें बता दूं भाई, देखो अगर तुम इतना कॉम्प्लेक्स करने वाले हो तो थोड़ा डिलीवरी पे ध्यान दो, बिकॉज तुम्हारे वर्ड मेरे को नहीं समझ आ रहे हैं. दूसरी चीज, यू गॉट द टैलेंट ऑफ होमोफोन्स यूज करने का, तुम्हारे पास टैलेंट है, दैट इज वेरी गुड थिंग. ऑल्सो तुम वर्ड्स को बेंड कर सकते हो अच्छे तरीके से, लाइक वो फ्लो को प्रॉपर सूदिंग बनाने के लिए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग. बस तुम्हें डिलीवरी सही करनी है और थोड़ा भाई EPR नहीं बनना, थोड़ा रुक जाओ. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड या दैट ब्रो. मैं तो तुम्हें यही कहना चाहूंगा, बाकी ऑडियंस बताएगी भाई. तो जाके भाई के चैनल पे जाके एक बार चेक मारना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. तुम्हें कुछ समझ आता है जाके भाई को बताना. ब्रो मेरे तो हाथ खड़े हैं, लाइक आई एम लिटरली सेइंग दिस. गाना बुरा नहीं है बट आई एम लिटरली सेइंग दिस कि मेरे को नहीं समझ आया. आई डोंट नो व्हाई. सो या पीस आउट बाय. मेरे दोस्त ने बोला था कि ये साथ नहीं निभाएगी, जा कर ले अपनी मर्जी उसकी बातें कर दे सच. पर पूरे वादे जो बाकी आ जा तू दिमाग.